हेलो डियर वंस, आज इस वीडियो में हम लोग विमेंस एजुकेशन लेसन के दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन हमसे कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, आज भी भारत में उतनी नारी शिक्षा नहीं व्यापक तौर पर फैल पाई है, विस्तार पा सकी है जितना कि होना चाहिए था। हालांकि ये लाइनें लिखी हुए 50 सालों से ऊपर हो गए हैं। आज भी अगर आप देखें, मैंने कहीं हाल ही में पढ़ा अभी कि शायद जो बेटियां हमारी या बहनें हमारी प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन से निकलती हैं पढ़कर, क्लास 5 पढ़कर या 8th पढ़कर हायर एजुकेशन तक पहुँचते पहुँचते शायद उनकी संख्या 10% तक रह जाती है सिर्फ। ऐसा शायद मैंने कहीं आंकड़ों में देखा, हो सकता है 10 की जगह 12 हो, 11 हो या 9 हो, लेकिन वो सक्सेस रेट नहीं है, वो कन्वर्जन रेट नहीं है कि जितने बच्चे बच्चियां हमारी प्राइमरी एजुकेशन में आएँ उतनी ही बेटियां हमारी उससे बड़ी एजुकेशन में पहुँचें, उससे ज़्यादा उतनी ही संख्या में वो हायर एजुकेशन तक पहुँचें। ऐसा नहीं हुआ है भारत देश में अभी तक। फॉरेन कंट्रीज़ में है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकग्निशन एंड एनकरेजमेंट। इसलिए राइटर का मानना है कि कोई भी संस्थान, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन कोचिंग सेंटर भी, जो बेटियों को शिक्षा दे रहा है या उनकी शिक्षा पर किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन दे रहा है, कोई फी कॉन्सेशन दे रहा है या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है, राइटर के अकॉर्डिंग, और यहाँ मेरा भी मानना है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। वो तारीफ का मुस्तहिक है, हकदार है, और तो और उसका एनकरेजमेंट मतलब उसका उत्साह भी बढ़ाना चाहिए। क्योंकि नारी शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान अगर काम कर रहा है तो वो एक साथ में, कहीं पढ़ा ना हमने आपने कि जगह जगह स्लोगन देखे दीवार, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। बेटी जब पढ़ती है, बेटा जब पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जब बेटी पढ़ती है तो वो दो परिवारों को पढ़ाती है। पहला तो जिस फैमिली में पैदा हुई उसको रोशन करती है जब तक रहती है, मैं तो कहता हूँ हमेशा करती है, और दूसरा जब वो दूसरी फैमिली में पहुँचती है तो वहाँ भी आने वाली जनरेशन को पढ़ाती है, और जिस जगह वो पहुँचती है वहाँ को बेटर कर सकती है एक एजुकेटेड गर्ल, एक एजुकेटेड ब्राइड। एक पढ़ी लिखी बेटी जब पढ़ी लिखी बहू बनकर आती है तो वो एक जलते हुए दिए के समान होती है, ज्ञान के दीपक की तरह होती है, उस वातावरण को और बेहतर बनाती है। दैट्स वाई विमेंस एजुकेशन सो मच स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे। बट आई एम एंग्जियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट ऑल्सो बी डीप। ये मेरी फेवरेट लाइन है। ये आज के एजुकेशन सिस्टम पर है कि जो शिक्षा आज हम बच्चों को दे रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, कोचिंग्स में, इनो राइटर के अकॉर्डिंग जो 60 साल पहले उसने लिखा आज भी सही है, और शायद पहले से कहीं ज़्यादा सही है, कि उस शिक्षा में व्यापकता है, विस्तार है, लेकिन गहराई नहीं है, गहनता नहीं है। कैसे समझेंगे? फॉर इंस्टेंस, एक बच्चे को जो शायद 12th क्लास पास है या 12th में पढ़ रहा है, जब आप मार्केट में सब्जी लेने भेजेंगे, ऐसा देखा गया है, सबके बारे में बात नहीं हो रही है साहब, आपके बारे में भी नहीं हो रही, और उससे अगर आपने कह दिया कि भाई जाओ 2 किलो आलू लेकर आओ, वो चला गया मार्केट में, वहां जाके 2 किलो आलू लेकर चला आया, मोहल्ले में बेचने वाला 30 रुपए किलो बेच गया, वो 40 रुपए किलो ले आया, या जो चीजें मार्केट में अच्छी नहीं थी वो उठा लाया, मतलब वो शायद उतना दिमाग नहीं लगा रहा है कि वो जो चीज़ों को ख़रीदना है उसे बाज़ार में मोल भाव करे, दुनिया में जाके और दुकानदारों में से दुकान पे जाके रेट ले, क्वालिटी चेक करे। दूसरी ओर जो एक गहनता है, जो विषय में जो उसमें डेप्थ है, वो ये होनी चाहिए कि वो जाकर जब वो आलू ख़रीद रहा हो, एक एग्जांपल है ये, तो वो 4-6 दुकानों को चेक करे, फिर वो सबसे अच्छे रेट में सबसे अच्छे आलू जिनकी क्वालिटी बढ़िया हो, रेट भी बेटर हो, वहाँ से लेकर आए, फिर उसके दिमाग में आए कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं घर में टमाटर ख़त्म हो गए तो 250 ग्राम टमाटर भी डाल के ले आए, या सोचे कि यार अदरक भी नहीं है घर में, शायद कल चाय पी थी शाम को तो ऐसा लगा अदरक नहीं है तो अदरक भी ले। तो एक एग्जांपल है कि उसमें इतनी डेप्थ नहीं हो रही आज के बच्चे में उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग जितनी उससे रिक्वायरमेंट है। वो शायद उतना ही चलता है, एक पपेट की तरह काम करता है आजकल पढ़ा लिखा बच्चा। हम लोग भी उसी सोसाइटी से हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम से हैं
कि हम उतना आगे का नहीं सोच पा रहे होते, शायद इसलिए कि हमारी पढ़ाई में, हमारी शिक्षा में जो हम दे रहे हैं उसमें व्यापकता तो है, गहनता नहीं है। विचारों में समझ तो है लेकिन जितना उसका एप्लीकेशन होना चाहिए वो नहीं है। अच्छे मार्क्स आना एक अलग बात है, लेकिन उस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या हमें वो बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि हम बड़ों का कितना आदर करें, कौन सी चीज़ों को समझें। वाटर वेस्टेज हो रहा है, टंकी चल रही होती, बच्चे हाथ धो के चले आ रहे हैं, नहीं समझ रहे कि इन्हें बंद करना चाहिए, कि समाज के लिए पानी भी चाहिए। यू नो दिस इज ऑल अबाउट यू नो द राइटर ट्राइज टू कॉन्वे अस, यही लेखक हमसे कहना चाहता है। आगे बढ़ेंगे। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि हम आज की शिक्षा में गहनता की या गहराई की कमी को महसूस कर रहे हैं, कि हम बहुत एजुकेटेड तो हो रहे हैं, आज से 40 साल पहले बहुत कम पढ़े लिखे लोग, हाई स्कूल पास लोग भी बहुत अच्छे से फैमिली को मेंटेन कर लेते थे और चीज़ों को समझते थे और व्यवहार में ले आते थे, आज हायर एजुकेशन के बावजूद भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। वी मे बिकम लर्न एंड स्किल, बट इफ वी डोंट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ देमसेल बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। दूसरी चीज़ यहाँ पर राइटर ने कहा कि हो सकता है कि हम बहुत ज्ञानी हों, हमने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, हमने बहुत से रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, हमने डिग्रीज के ढेर लगा लिए हैं, हम दिन में 4-5 अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, टीवी के चैनल्स देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है, आई मस्ट से डेफिनेट पर्पस नहीं है, पॉजिटिव उद्देश्य नहीं है, एम नहीं है, तो हमारी लाइफ ब्लाइंड है, बिटर है, अंधी है, उसमें कोई यू नो रास्ता नहीं दिखाई देगा, या फिर वो बहुत ही कड़वाहट से भरी हुई होगी। इट मीन्स कि हमें ना सिर्फ उस शिक्षा का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के उस सही लक्ष्य की ओर प्रॉपरली बढ़ें, और उससे पहले भी ज़रूरी है कि हमारे पास एक डेफिनेट पर्पस हो, एम हो, उद्देश्य हो। शिक्षा का उद्देश्य कभी भी हमारे पास बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा होना, बहुत अच्छा रहन सहन होना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक कंप्लीट, एक परफेक्ट पर्सन का निर्माण करना है जो समाज की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ही शुड बी एबल टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी, समाज की जो भी ज़रूरतें हैं जो एक अच्छे सभ्य इंसान से होनी चाहिए, कि उसे अपना कूड़ा कहाँ डालना है, उसे गंदगी नहीं करनी है, उसे चीज़ों को सही करना है, उसे यू नो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ फ्यूल, इन सब को समझना है, प्रकृति को कैसे बनाए रखना है, प्रकृति की चीज़ों को कैसे उपयोग करना है, ये सब चीज़ें आना ही शायद शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ आज हमने इस वीडियो में समझा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो वेट मत करिए। बस बाय, टेक केयर।